हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ नंबर वन एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और आज हम जानने वाले हैं बर्ब सूट की टारगेट टैब के बारे में। बर्ब सूट की जो टारगेट टैब है वो क्या होती है और उसका क्या वर्क होता है, ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं शुरू कर लेता हूँ फायरफॉक्स, और उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं जो हमारा मेन वर्क है, दैट इज़ वी आर स्टार्टिंग बर्ब सूट। तो डेफिनेटली हम जानने वाले थे आज कि इसकी जो टारगेट टैब है वो क्या काम करती है। तो दोस्तों जैसे अगर आप यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन सर्फिंग वगैरह करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इंटरसेप्शन ऑन कर रखा है और जैसे ही आप लुकअप करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो डेफिनेटली सॉरी ऑन हमें रखना है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट किया वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें इस पेज पे। तो इसके बाद जो मेन वर्क है उस पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं। वी आर सेइंग अबाउट द टारगेट टैब। तो दोस्तों यहाँ पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि वास्तव में ये जो टैब है इसका मेन वर्क और रोल है क्या। तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें हम टारगेट टैब के अंदर जो भी आपने वर्क किया है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसने कैप्चर की है वो सब यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। ये हमारा मेन एक्टिव है, रेड कलर का सिंबल हमें शो करता है एक्टिव, और बाकी ये जो है ये ऑफलाइन मॉड्यूल्स को हमें शो करते हैं। तो एक्टिव सेशन में आप यहाँ देख सकते हैं होस्ट कौन सा है, मेथड कौन सा है, गेट और पोस्ट, इन्हीं मेथड्स की वजह से कोई भी अटैकर जो है आपके आईडी पासवर्ड्स को कैप्चर कर पाता है। तो इन सब के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यहां देखेंगे। आप यहां देख सकते हैं क्लियर टेक्स्ट सबमिशन ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड जो है क्लियर टेक्स्ट में सबमिट किया गया है, ये आपको एरर शो करता है। सेकेंड वन इज़ शोइंग पासवर्ड फिक्स विद ऑटो कम्प्लीट इनेबल। तो जो टारगेट टैब है इसमें किसी भी टैब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और वहाँ आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जो भी सेशन था सेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर आई। हम इसके एक एक सेशन को जानते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगी वेबसाइट्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे कंटेंट, जिस भी आप टारगेट टैब में यहाँ पे जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी राइट हैंड साइड में ये आपको शो करेगा। यहाँ पे मेथड क्या था, गेट पोस्ट जो भी है, और उन सब के अलावा URL वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इशू क्या है, वो जो टैब जो वो जिस पे आपने क्लिक किया है किसी भी वेबसाइट की, किसी भी एड्रेस पे आपने क्लिक किया है तो उसका कंटेंट आपको यहाँ दिखाई देगा, इशू उसका इसके नेक्स्ट साइड में आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मेथड हेडर पोर्शन उसमें क्या यूज़ किया गया है, हैक्स वैल्यूज़ क्या हैं, उसका रेस्पॉन्स क्या गया है और रिक्वेस्ट क्या थी। तो ये सारी चीज़ें, एक वेब सर्वर की अगर हम बात करें तो जो वेब सर्वर है वो इसी मेथड पे काम करता है कि क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने गेन किया उसे। तो यहाँ पे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो वन बाय वन आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दिखाता है। हम इसे थोड़ा और डीपली थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो मैंने एक्टिव जो सेशन है उस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ आप देखिए ये हमें शो कर रहा है। इस टैब का साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, एंड यू कैन सी आप इसकी अपनी मर्जी से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्लियर टेक्स्ट सबमिशन ऑफ पासवर्ड हमें शो कर रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इश्यू क्या है। तो आप ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द पेज कंटेन ए फॉर्म विद फॉलोइंग एक्शन, जो पेज है उस पर इस एक्शन के साथ फॉर्म सबमिट किया गया है। जो पासवर्ड है वो कंटेन एकदम क्लियर टेक्स्ट है, तो पासवर्ड यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इन सब के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इश्यू बैकग्राउंड, इश्यू रिमेडेशंस, और आप यहां देख सकते हैं वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशंस, यानी कि जो वल्नरेबिलिटी है वो किस सीरीज़ में आती है CWE के अंदर, तो ये आपको शो कर रहा है 319 क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस। तो अब आपको जो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देन सेकंड वन पासवर्ड फील्ड विद ऑटो कम्प्लीट इनेबल। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ऐसा करते तो इस तरह की वल्नरेबिलिटीज आपको बहुत बार मिली होंगी। आप यहाँ देख सकते हैं इशू का बैकग्राउंड क्या है, और यहाँ आप देख सकते हैं रेमेडिएशंस क्या है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं टू प्रिवेंट ब्राउज़र फ्रॉम स्टोरिंग क्रेडेंशियल्स एंट्रिंग इनटू HTML फॉर्म्स इंक्लूड द एट्रीब्यूट ऑटो कम्प्लीट ऑफ, यानी कि अगर ये वल्नरेबिलिटी आपको हटानी है आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो कम्प्लीट ऑफ करना पड़ेगा तब ये वल्नरेबिलिटी निकलेगी। तो जो आपका वेब ब्राउज़र है वहाँ पे ऑटो कम्प्लीट की वल्नरेबिलिटीज़ को ऑफ कर दीजिए, ये वल्नरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स जो टारगेट टैब है वो आपको किसी भी वल्नरेबिलिटी के बारे में बता रहा है, जो जो पेजेस उसने कैप्चर किए हैं उसके अंदर क्या कंटेंट है, कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ दिखाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। रिक्वेस्ट में आप पढ़ सकते हैं कि क्या रिक्वेस्ट भेजी गई है। उन सब के अलावा
आप उसकी जो कुकी है, कुकी इसने कैप्चर की हुई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसका रेस्पॉन्स क्या गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसने सबमिट किया तो उसका रेस्पॉन्स किस तरह से यहाँ पे सबमिट हुआ है, उसकी जो कोडिंग है वो सब आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो डेफिनेटली हेडर सेक्शंस क्लियरली दिखा रहा है, हैक्स वैल्यूज आपको शो करेगा, HTML का जो है पेज उसे शो कर रहा है, और रेंडर्स। तो रेंडर्स का मतलब है यू कैन सी द रिजल्ट्स हियर, आपको जो रिजल्ट्स मिला वो आपको यहाँ सब कुछ क्लियरली आप देख पाएंगे। तो दिस वन इज़ अमेजिंग, हम थोड़ा कर लेते हैं। तो उसमें जो चेंजमेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी, आउटपुट जो है वो साथ के साथ आपको यहाँ दिखा रहा है, आप जो चेंजमेंट करेंगे वो आपको यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों टारगेट टैब अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आने वाले टाइम में हम अभी तो सिर्फ इन चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं कि वास्तव में है क्या और किस तरह से इंफॉर्मेशन हमें शो करेगा। तो अब हम फिर इनसे जब अटैक करेंगे तब इनका डीपली इंफॉर्मेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि टारगेट टैब का जो मेन काम है वो क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।